Pierre Sarto. पालक साग राजधानी धनिया हाइब्रिड पटियाला रेडिश मूली ई पालकी के बाद ई तो सब साग हटे तू खोल गेल फेर एमे चना बुआई खेतवा में चना हां चीन काट के चना बुआई थोड़े चना बुआई थोड़े लहसुन बो दिए ई अच्छा हां चना हम कने के मुरइयो छिट दे त मुरइयो जो एक संग मन हो जाए तो का हो गेल पता नहीं एकरा के बता दी बोल दी एकरा के का मुरइ छिट दियो का थोड़े मुरइ मुरइ बैठे हमन हां देखो तो हम धनिया कहत ने धनिया उ खेत में अदी में छिट दे बड़ा धनिया ना तो पिटा दे तो अदी में का पोए के बा अदी में धनिया बो दी बिटरी गहय कावा में अच्छा हां अदी अच्छा जब मतलब पटाइबे तब ओकरा पर भरे के मेरी भी भराई ना एक आरे बोल गई हो जामी मानू अब फिर तो माटी देखा जाए और चढ़ाव पड़ी माटी अभी पर चढ़ा नहीं खे नहीं चढ़ा हां माने खेत नु गिर के वजह से नीचे माटी चढ़ते नहीं के माटी तो अब कि जैसे कि पार्टी में खा जाई तो जामला के बाद कि जामला से जामला के बाद नु जामला के बाद के चढ़ा दे पड़ी माटी ओकर बाद धनिया भैया पहले ना तेरा के बता दियो जी काचे के बिया मूली रा मूली हां रेडिस इसको बोले है ना इसको इंग्लिश में रेडिस बोलते हैं इंग्लिश में रेडिस बोलते हैं पूरी में बतावो ही पूरी में बतावो चलो भाई आजा हाइब्रिड रूट है हां बीट है हां देखिए बीट रूट यो बड़ा भोतर देखाई अभी कहां हुआ कदे बड़ा कुएं पर बुआई हुई नहीं है तो तैयार तो हर मैंने कठा पे बहन फिर नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने खेत में पालक मूली और सरसों की बुआई करने। तो चलते हैं कैसे बुआ जाता है सरसों पालक मूली। ये देखिए सारा तीनों का मिक्स ये बीज है, इसमें पालक भी है, मूली भी है और सरसों भी है। तो चलते हैं खेत में। सब साफ हो गई, सब घास साफ तो पूरा ही घास ही तो सब पड़ो नहीं फिर हाँ दौड़ी रहा यहाँ पर तो घास भी नहीं किसी ने उतार के क्या करता है तो चाचा से कहिए आए कॉल आज फिर दूसरे दिन हो जो बोल रहा था भी नहीं भाई की फर्स्ट का भाई तू था सामने था पहले ये ट्रैक्टर से जुताई हुई थी इसकी, लेकिन ट्रैक्टर में और हल में बहुत का फर्क है। हल से बहुत बढ़िया जुताई होती है। देखिए हम लोग तो सोच रहे थे कि खेत जुत गया है, लेकिन अभी जुता नहीं है। देखिए बैल से जोता जा रहा है और इसी में हम ये जो साग का बीज दिए हैं, मूली का, सरसों का, पालक का, उसको छिड़क देते हैं। तो इसमें थोड़ा मिट्टी मिलाते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसमें हल्का एकदम महीन मिट्टी मिलाते हैं ताकि अंदाज़ा मिले। नहीं तो हम लोग तो बराबर बोते नहीं हैं। जो लोग बराबर बोते हैं उन लोग के लिए ठीक है, तो इसमें मिट्टी मिला के सबको बढ़िया से मिला देंगे। जब कोई भी बीज ना पतला होता है तो उसको इसमें इस तरह से मिट्टी मिला के अगर हम छिड़कते हैं तो बराबर चारों तरफ खेतों में होता है। और ये देखिए एक हमारे गांव में एक ही ऐसा सिंगल आदमी है जो हल बैल रखे हैं, बाकी दूसरा किसी के पास नहीं है। अब गांव में सारा प्रचलन हट गया है, लेकिन ये पता नहीं चाचा को शौक है क्या, इसी वजह से इन्हीं के यहाँ पूरा गांव में किसी के यहाँ आपको हल बैल नहीं मिलेगा। हम अगले साल भी आए थे तो उसमें भी ये चाचा ही बोल रहे थे
क्योंकि हल बैलों को खिजाना रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है, इस वजह से कोई हल बैल रखता नहीं है। एक हमारे गांव में एक सिंगल आदमी यही है जो रखते हैं, तो बीज हम अब मिट्टी मिला दिए हैं, अब इसको छिड़क रहे हैं, मिला देते हैं। इससे खेत का लेवल बनता है बढ़िया, जैसे कि जितना बड़ा बड़ा ढेला होता है वो छोटा छोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जितना बड़ा है, अब इसको जितना बार हम दो बार अगर घुमाते हैं इसको एक जगह पे, तो और टूटता जाता है, और इससे क्या होता है कि क्यारी बनाने में आसान होता है। तो इस वजह से हम इसको देखिए एक बार ऐसे ऐसे हम घुमा के ये जो घिनाए थे बैल, अब दूसरे तरफ फिर देखिए अब यहीं से बैल घूम जाएगा। दादा के बात सुन लें, कैसे उसको घुमाते हैं, हैंडल कैसे करते हैं बैलों को, वो दिखाना है। हैंडल कैसे उसको उनके हाथों पर दिखाओ, देखो सीधा करना है तो इसको हटा के करना होता है। उस खेत में करेंगे ना, उस खेत में बढ़िया से एक दिन आएंगे चाचा ना, सवेरे से लग जाएंगे, ठीक है। ये हैलो के बारे में बता भी देंगे, ठीक है, जब उसमें करेंगे। अभी तो सुबह से खेत जोत रहे हैं, इस वजह से अभी भी थोड़ा थक गए हैं, जो बैल भी थक गए हैं, ये भी थक गए हैं, और जिस दिन सुबह से उसमें खेत में जुताई होगी ना, उस दिन सारा कर देंगे। मतलब जब आओ आओ बोल देंगे, मतलब होता है कि घूम जाए यहीं से। बैल होता है उनका भाषा है, आओ 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 जा चट, मतलब आगे थोड़ा बढ़ जा, आगे बढ़ के यहीं से मत मुड़, आगे से बढ़। इनके हाथ में रस्सी भी है, ये रस्सी खींचते ही देखिए घूम जाएगा, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला बैल अपने आप घूम जाता है, और फिर लेफ्ट साइड वाले बैल पे ही हाथ रखेंगे अगर सीधा चलाना है तो, जिसको घुमाना है उस तरफ से उसके ऊपर हाथ रखना होता है। अगर राइट को लेफ्ट में घुमाना है तो राइट के पीछे हाथ रखना होता है, अगर लेफ्ट और लेफ्ट राइट से नहीं जाएगा। देखिए रस्सी जिनके पास है देखा लगा पड़ा है, रस्सी टाइमर डंडा, एक को रस्सी से काम करते हैं, एक को डंडा से काम करते हैं, एक कंट्रोल है। थक गए हैं बेचारे, बहुत थक गए हैं, सुबह से जोत रहे हैं थक गए हैं, अब इनको भी रेस्ट चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा।
एक दिन में कितना खेत जोता देला था जी? 10 कट्ठा। निमन से जोतम तो 10 आ फनान तो 12 कट्ठा 13 कट्ठा जोता है। हां ये खेत बहुत बढ़िया जोते हैं। 3 बार ट्रैक्टर से जोता हुआ था ये। खाली कील से ही खराब गड़ा हो परसों काल ना है हमरा तो जान मुंह धोम खान दवाई वाई चलेला। अच्छा कल घोटे हटे का बोल बरो हमरा है एकरा से चलावत खनी नहीं खैला का काई भरी से नहीं तो खैबे करी ले कि कौन की टाइम है। भरी से हां हां भरी से बना भरी से है दवाई चलाए ले हम लगे चल आराम बटे हो जैसे। हां तो या से आराम बटे आई सब नरी में झंझट मेरी डाड़ी तक 2 घंटा जा सके। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको किस तरह का वीडियो देखना है, अगर इस तरह का गांव का देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और भी किसी तरह का गांव का वीडियो देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।